अस्सलामु अलैकुम। हाय, इट्स मी डॉक्टर आलिया आहद और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल आस्क आलिया आहद में। तो फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे सेट कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती जो है वो हम बिस्तरी कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वाइफ राज़ी ना हो तो क्या हस्बैंड उसको फोर्स करके उसके साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो चलिए चलते हैं इस मसले के जवाब की तरफ। देखें, इस मसले का सिंपल सा हल है या इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि जब अल्लाह निकाह का रिश्ता कायम हो गया, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बाद नाजायज़ काम जायज़ हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक कानून है कि जो चीज़ निकाह से पहले लड़का और लड़की के लिए दुरुस्त नहीं होती, लड़का लड़की के लिए जायज़ नहीं होती, इंसान के लिए हलाल नहीं होती, वो सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ हो जाती हैं, बल्कि अजर व सवाब का बाइस भी बनती हैं। इसका जवाब सुनने से पहले एक उसूली बात ये समझ लीजिए कि शौहर हजरात जो हैं वो बीवी के साथ कोई गलत सलूक ना करें, क्योंकि औरतों का मिजाज होता है कि कुछ औरतें अंदर से ये अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर यह चीज़ रखी होती है कि वो हम बिस्तरी वाले मामले में जल्दी एग्री नहीं होती। शायद पसा औकात कम उम्री की वजह से, कुछ तबीयत की वजह से होती हैं, कुछ ख्वाहिशात नफसानी की वजह से होता है और कुछ दीगर मामलात होते हैं जिनकी वजह से औरतें जो है वो हम बिस्तरी के लिए जल्दी राज़ी नहीं होती। तो मसला करना क्या है कि मर्द को जो है वो औरत के मिजाज को समझना है, औरत के मूड को समझना है। अगर वो पहली रात को हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं है तो आप बोसो किनार कर लीजिए, आप प्यार मोहब्बत कर लीजिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इस काम के लिए राज़ी कीजिए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपके इस बात को मानेगी भी, क्योंकि जब बोसो किनार होगा, रोमांस होगा, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी तो औरत के अंदर ख़ुद ब खुद शहवत भरे जज्बात जो है वो जाग जाते हैं और वो भी अंदरूनी अंदर से जो है वो मचल जाती है, तड़प जाती है कि उसके साथ ये मामला किया जाए, ठीक है। तो शोहरों को चाहिए थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम ले और 2-3 दिनों में औरत जो है वो इजीली जो है इस काम के लिए, इस प्रोसेस के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन गुस्सा करना, औरत की इस बात को ज़िद बना लेना कि औरत पहली रात को क्यों तैयार नहीं हुई, अना का मसला कायम कर लेना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। वो बंदी जो अपना घर बार सब छोड़ के आई है, थोड़ी सी अपसेट भी हो सकती है, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को ले कर डर और खौफ का शिकार भी हो सकती है। तो इसके लिए चाहिए कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ माइल करें और उसको जो है अपने होने का एहसास दिलाएं, ये एहसास दिलाएं कि आप इसके जीवन साथी हैं, हमेशा इसके साथ रहेंगे, अपने साथ प्यार मोहब्बत का एहसास दिलाएं, तो यकीनन आपकी बात मान के आपके साथ तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्ती भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है और वो देरपा भी होता है, दिल में जगह भी बना लेता है। तो मज़ीद मेल फीमेल इशूज़, मैरिड लाइफ इशूज़ या फिर दीगर दीनी मसाइल के हल के लिए मेरे चैनल आस्क आलिया आहद पे अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू आपको आपके सवाल के जवाब आ दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर उसके आंसर के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।